हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का भौतिक विज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मॉडर्न स्टडी में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ऐसी ही वीडियोज लगातार मिलती रहेंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आज हम भौतिक विज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं वे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच का सिद्धांत क्या है, नियम क्या है। इसको आपको किरण आरेख सहित व्याख्या करना होता है, उसका पूरी तरह से फिगर बनाना होता है, और मैक्सवेल का जो दक्षिणावर्त पेच का नियम है कि किस तरह से दक्षिणावर्त पेच काम करता है, कोई पेच तो मैक्सवेल ने उसका नियम दिया है कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो इस नियम को आपको किरण आरेख के द्वारा स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चंस बार बार आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि दूर दृष्टि दोष जो आपकी आंखों में होता है, दृष्टि दोष वो क्या है, इसका निवारण हम किस तरह से कर सकते हैं, किस लेंस का यूज करके हम इसका निवारण कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम जो भी क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, अगर इन क्वेश्चंस में से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको प्रोवाइड भी करवाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो है कि उत्तल दर्पण के लिए सूत्र 1/F = 1/U + 1/V का निगमन कीजिए, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जहां संकेत यू वी एफ सबका जो मान है, सबका जो नेम है, वो सामान्य रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपसे उत्तल दर्पण के लिए भी पूछ सकता है, यही क्वेश्चन आपके लिए अवतल दर्पण के लिए भी पूछ सकता है। तो दोनों क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है उसकी व्याख्या कीजिए, और प्रेरित धारा की दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं, किस तरह से फैराडे ने दिया था कि उंगलियों के इशारे से, उंगलियों की दिशा से हम पता करते हैं, तो उसके बारे में आपको प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका। और उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वह है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम कौन से रंग में होता है। आपको पता है कि विचलन सबसे ज्यादा बैंगनी रंग के में होता है, वायलेट, और सबसे कम विचलन आपके रेड कलर में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर व वैद्युत जनित्र में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, कि वैद्युत मोटर जो होता है और वैद्युत जनित्र, वैद्युत मोटर जो आपके पानी का मोटर होता है वो, और वैद्युत जनित्र यानी कि आपका जो जनरेटर होता है, जो बिजली जनरेट करता है वो, इन दोनों में अंतर क्या है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ खींच करके बताइए, यानी कि ओम के नियम को प्रूव करना है और उसका फिगर के साथ उसको बताना है कि किस किस तरह से ओम का नियम वर्क करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको जहां भी क्वेश्चन में दिक्कत लगे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, इसको भी आपको किरण आरेख खींच करके बताना है, किस तरह से हम उत्तल दर्पण में जब कोई वस्तु फोकस से होकर के गुजरती है तो उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। तो उत्तल दर्पण में आपको ये प्रतिबिंब बताना है किस तरह से बनता है, इसको किरण आरेख खींच कर बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में यात्रा करता है तो उसको काला क्यों दिखाई देता है। तो जो आपको छोटे क्वेश्चंस में आपको बता देता हूं कि जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो जो प्रकाश होता है, आपको पता है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो सूरज से निकलने के बाद वो जब तक पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं आता है तब तक उसका प्रकाश जो है वो काल रंगहीन होता है। जब वो माध्यम से टकराता है, पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, तब वह रंग पैदा करता है, तो उससे पहले वो पूरी तरह से ब्लैक दिखाई देता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश ब्लैक दिखाई देता है। और नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का चित्र आपको बना करके उसके सभी भागों का वर्णन करना है, कि मानव नेत्र में कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस किस पार्ट्स का क्या नाम है, वो सब आपको फिगर बना करके दिखाना होता है। ये क्वेश्चंस भी आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि ये टॉप 10 क्वेश्चन, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको पूरी तरह से
रट लेते हैं तो आपके जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरह से हल हो जाएंगे। उसके बाद जो ऑप्शन टाइप है तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।